अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गंदा भूत, इसमें तकिए के कवर हैं, उन्हें अच्छी तरह धो देना और मेज पर बिछाने वाले कपड़े को भी अच्छी तरह चमका देना। जी मालकिन। सक्सेना जी से जब बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि सब रुक के है, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि करेक्शन करना चाहिए? क्योंकि सक्सेना जी से बात हुई है मेरी, और मिश्रा जी से भी मैं डिस्कस कर रहा था इसी बारे में। और गोलू भैया, मैं आता हूँ। राधिका जी, ये कपड़े हैं, अच्छे से आयरन कर देना, इन्हें पार्टी में पहनना। अभी जब इस राधिका को हम काम करता हुआ देखते हैं ना, तो हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये काम में व्यस्त रहेगी, उतना ही हमारे दिव्यम से दूर रहेगी और हमारे मुन्ना को बड़ी खुशी मिलेगी। अरे मुन्ना, तू कहाँ चला गया था बेटा? और ये पैकेट में क्या है? माँ, वो मेरी शॉपिंग करने गया था। अच्छा, आप लोगों ने तो कपड़े खरीद लिए, मैंने सोचा मैं भी नए कपड़े खरीद लेता हूँ। क्या लेकर आया है बेटा इसमें, जरा दिखा तो सही। बड़ी दादी, आप कल देख लीजिएगा ना, जब मैं पहन कर आऊंगा आपके लिए भी सरप्राइज हो जाएगा, देखना मैं कितना सुंदर लगूंगा। अच्छा ठीक है, चलो माँ। तो भाई, दिव्यम जी ने उस राधिका को बचाया था, अब हमें पकड़ेंगे। हाय दया, ये क्या कर रही हो तुम? देख कर नहीं चल सकती, इतना जरूरी सामान गिरा दिया। सारी सारी दिव्यम जी, हमें थोड़े चक्कर आ गए थे। दिव्यम बेटा, कपड़े ही तो है, कुछ टूटने की चीज तो नहीं। ये तो कुछ साड़ी जैसा लग रहा था, पर दिव्यम जी तो हमें साड़ी दे चुके हैं, फिर ये किसके लिए थी? कौन लाया? कैसा लगा गिफ्ट? सुन जी, ये साड़ी आप हमारे लिए लाए हैं?
नहीं, ऑब्वियसली राधिका। ये तो बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। नए साल में घर पे सब लोगों के लिए नए कपड़े आए हैं। तुम इस घर के लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया, इसीलिए मैं लाया हूँ ये तुम्हारे लिए। इस पे सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, समझी? कल ना हम पार्टी में यही साड़ी पहनेंगे क्योंकि ये आपकी पसंद की है। वरना हमें तो लगा था सिर्फ कल ही जी आपकी पसंद की साड़ी पहनेंगी। वो तो बड़ी दादी ने चालाकी से मुझसे पसंद करवा ली। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। जी एफएम जी ने कितनी प्यारी साड़ी पसंद की है हमारे लिए। इसे हम अपने घर और दिव्यम की जिंदगी से निकालना चाह रहे हैं और यह हमारा बेटा इसके लिए साड़ियां गिफ्ट में ला रहा है। कुछ भी हो जाए गोलमुखी, लेकिन तुम्हें हम अपने मुन्ना की लाई हुई ये साड़ी कभी नहीं पहनने देंगे। दिव्यम जी, वो जो नई साड़ी लेकर आए थे वो उन्होंने अभी तक तुम्हें दी नहीं और घर में भी किसी को नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साड़ी राधिका के लिए लेकर आए थे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी करके नौकरानी जी को वो साड़ी तो नहीं पहनने देंगे। हे भूलेना, आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए हम बस आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा ससुराल दिया और इतना ख्याल रखने वाले पति दिए। कल से नया साल शुरू हो जाएगा तो हम अपने परिवार की खुशियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। जो नया साल है ये हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और सबके बीच में ऐसे ही प्यार व्यवहार बना रहे। बस आज की पार्टी अच्छे से बीत जानी चाहिए और बड़ी दादी हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन इतना सारा राशन? हाँ, इससे पहले तुम घर वालों का नाश्ता बनाओगी, उसके बाद आने वाले सारे मेहमानों के खाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। फिर मेहमानों के लिए नाश्ते से लेकर मीठा भी तुम ही बनाओगी। जी जी, पार्टी में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और राधिका इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाएगी? मैंने हलवाई बुलवा दिया, वो सारा खाना बनाएगा। हाँ हाँ, तो हलवाई को मना कर दो, वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। ये है ना, ये बना लेगी। लेकिन जी जी, बस कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं ना। प्रभा बस अब एक शब्द और नहीं, हमने कह दिया सो कह दिया। हम ऐसा खेल रचाएंगे कि ये नौकरानी को दिव्यम जी खुद अपने हाथों इस घर से बाहर निकालेंगे, फिर हम बनेंगे इस घर की रानी और दिव्यम जी की पत्नी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।